टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी दूसरी शादी टूटने की वजह से कई समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, एक्ट्रेस ने यह खुलासा किया कि पति निखिल ने उन पर चीट किया था दूसरी औरत के लिए। दलजीत कौर ने पिछले महीने ही निखिल पर मुंबई पुलिस के पास जाकर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। अब इस कपल के तलाक की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी खुद दलजीत ने अपने फैंस को दी। दलजीत कौर ने बताया कि आज केन्या में मेरे और निखिल के तलाक की पहली सुनवाई हुई थी। एक्स पति के वकील जज के सामने यह साबित करने में लगे हुए थे कि भारत में कोई शादी नहीं हुई थी। एफआईआर दर्ज करते समय भारतीय पुलिस ने मुझे बताया कि अगर निखिल शादी से इनकार करते हैं तो गवाहों के साथ की गई परंपराएं उसे सलाखों के पीछे डालने के लिए काफी हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को शर्म आनी चाहिए कि इस बात से इनकार किया कि वहां कोई शादी नहीं हुई थी। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि क्या मैं निखिल की रखेल थी केन्या में। एक्ट्रेस ने निखिल को लताड़ते हुए आगे कहा कि आप मुझे यह सब तभी बात देते जिस दिन करवा चौथ पर मैंने आपके लिए व्रत रखा था, जब मैं रात को 11:30 बजे तक भूखी प्यासी बैठी थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल पटेल। जानकारी के लिए बात दे, साल 2023 में एक्ट्रेस ने निखिल संग मुंबई में धूमधाम से शादी की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।